सर्वेभ्यो बालकेभ्यो सर्वे जानन्ति अद्यतनः ऑनलाइन माध्यमेन पठन पाठनं भवति। अद्य व्याकरणे एकः विषयः अस्ति प्रत्ययः। प्रत्ययः यस्य अर्थः भवति संस्कृतभाषायां प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः संस्कृत भाषायाम अर्थ भवति प्रत्ययस्य। अर्थमति कि प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। हिंदी भाषायाम अर्थ भवति जिसका विधान किया जाए उसे प्रत्यय कहते हैं। किसी शब्द के अंत में लगकर शब्द के अर्थ को बदल दे उसे प्रत्यय कहते हैं हिंदी भाषा में। संस्कृत भाषायाम प्रतीयते विधीयते पाणी महोदय न पाणी अनुसारम कि संस्कृत संज्ञा प्रकरण व सूत्र वर्तते अनुदित अनुदित सवर्ण से च प्रत्यय। जस्य अभिवृत्ति होती प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। जह प्रत्यय मुख्य रूपेण पंच प्रकार भवन्ति। जो मुख्य रूप से हिंदी भाषायाम जो मुख्य रूप से पांच प्रकार के होते हैं संस्कृत जगत में। बेटा संस्कृत जगत में कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसमें प्रत्यय नहीं लगा हो। बिना प्रत्यय का संस्कृत में कोई शब्द नहीं होता। तो संस्कृत जगत में अगर मान लेते हैं तो मुख्य रूप से पांच प्रत्यय होते हैं। पहला होता है किर्दंतः किर्दंत, दूसरा होता है तद्धितः तद्धित, तीसरा होता है स्त्री प्रत्यय, चौथा होता है विभक्ति, पांचवा होता है धातु अवयव। अब ये संस्कृत जगत में पांच प्रत्यय होते हैं लेकिन हमारे सिलेबस में ये पांच प्रत्यय नहीं पढ़ना है। पढ़ना है तीन, वो एट हो सेवन हो एट हो नाइन हो या टेन हो, ये तीन प्रत्यय पढ़ने हैं किर्दंत तद्धित किर्दंत तद्धित और स्त्री प्रत्यय। ये तीन प्रत्यय पढ़ना है। अब हम जाने किर्दंत प्रत्यय कौन होते हैं तो इसका संधि विच्छेद होगा कृत 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 जोड़ अंत व्यंजन संधि किर्दंत सिद्ध झलाम जसवंते यस्य सूत्र। तो क्रीदंत कृत क्रिया अंत क्रीदंत जो धातु के, अब संस्कृत में तो हिंद क्रिया होता नहीं है संस्कृत में धातु होते हैं, तो जो धातु के अंत में लगे वही क्रीदंत प्रत्यय कहलाता है। जो धातु के अंत में लगे जैसे अनेक धातु हैं संस्कृत जगत में 2000 धातु हैं पाणी के अनुसार हंस लेख पठ खाद वद, तो जो मुख्य रूप से पठ के बाद में लगे खाद के बाद में लगे हंस के बाद में लगे या कोई भी धातु के अंत में जुड़े वही किर्दंत प्रत्यय कहलाते हैं। यही अंतर है जिसका मुख्य है। ढेर सारे भेद होते हैं जो हमको पढ़ेंगे और सिलेबस में भी है 8th क्लास का, तो जो हम लोग पढ़ेंगे किर्दंत का से मिटाते हैं। ये कत्वा ल्याप सत्री सानच कत्वा ल्याप सत्री सानच अनियर तव्यत कत्वा लेप सत्री सानत अनियर तव्यत त एक और होता है तवतु। और भी होते हैं कहीं नहीं है, और भी होते हैं लेकिन लगभग लगभग सिलेबस में ही पढ़ना है। वो सेवन हो एट हो नाइन हो या टेन हो, अगर ये एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, अगर ये आठ पढ़ते हैं पढ़ लें तो किर्दंत हमारा सिलेबस समाप्त हो जाएगा। यानी पांच प्रत्यय में पहला प्रत्यय जो होता है किर्दंत ये समाप्त हो जाएगा ये पढ़ लें तो। अब इसमें सिलेबस में सेवन के सिलेबस में ये भी नहीं पढ़ना है, कुछ कम का पढ़ना है जैसे कत्वा पढ़ना है लेप पढ़ना है, लेकिन एट में चलेंगे तो उसमें सत्री भी पढ़ना है सानच भी पढ़ना है
नाइन्थ में चलेंगे अन्यर भी पढ़ना है, तबियत भी पढ़ना है, टेन में चलेंगे तो ये सब पढ़ना है। तो इसीलिए हम क्यों ना सब पढ़ें शुरू से, इसमें सब समझने वाली है, तो याद करने वाला है नहीं, थोड़ा ध्यान लगाएंगे आप, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, सब समझ में आ जाएगा। अब इसमें सबसे पहले है कत्वा प्रत्यय। सबसे पहले कौन प्रत्यय है कृदंत का भेद? कत्वा प्रत्यय। कत्वा में और कत्वा के बारे में जाने इसका परिचय। कत्वा प्रत्यय अवर लियत, ये दो दोनों सेम अर्थ में प्रयोग होते हैं। कत्वा अवर लियत ये दोनों सेम अर्थ में प्रयोग होते हैं। यूं कहें तो हिंदी में करके अर्थ में प्रयोग करते हैं, जैसे हंसकर, लिखकर, बोलकर, खाकर, बोलकर खाकर ये इस यानी करके अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। अगर इसको अच्छा से सजा करके परिभाषा बताया जाए तो होता है कि जहाँ डबल क्रिया हो, लगातार क्रिया हो, तो अंत वाली क्रिया में, जैसे रमेश जाता है पढ़ता है, तो रमेश तो दो क्रिया कर नहीं सकता, लेकिन रमेश जा कर पढ़ता है, इसमें दो क्रिया, एक तो जाना क्रिया हुआ और एक पढ़ना क्रिया हुआ, तो लास्ट वाले क्रिया में ये कत्वावर लेप लगेगा। ये कृदंत का भेद कत्वावर लेप।